भागलपुर के भीकनपुर नेत्रहीन विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं न रहने के चलते बच्चे कर रहे हैं पलायन। भागलपुर के भीकनपुर स्थित राजकीय नेत्रहीन मध्य आवासीय विद्यालय के कुछ छात्र व राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार के महासचिव अर्जुन कुमार सिंह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से उनके कार्यालय आकर अपनी कई समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। उन लोगों का कहना था कि विगत 3 वर्षों से एक भी नामांकन नहीं हुआ, जबकि RPWD एक्ट 2016 के तहत दृष्टि दिव्यांगों को समान अधिकार देने की बात कही गई। साथ ही उन लोगों का कहना हुआ कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बंद है, ब्रेल पुस्तकें नदारद हैं, सरकारी सुविधा बच्चों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचने के कारण छात्र यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पर शीघ्रता पूर्वक विचार किया जाए। कार्यक्रम में कई नेत्रहीन बच्चे व राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार के कई अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कितने बार यहां से वापस लौटे हो? यहां से मतलब अपने विद्यालय से जहां एडमिशन तुम्हारा नहीं हुआ है? नाम लिखाने पहली बार आए किए थे। अच्छा, एडमिशन नहीं हो सका? एडमिशन हुआ था। अच्छा, तो फिर क्या है, नहीं आ रहे हो? अग्नि हम ना पढ़ पा रहे थे सर। अच्छा, अभी पढ़ना चाहते हो? हाँ, अभी हम पढ़ना चाहते। तो फिर क्या समस्या है जो यहाँ आए हो? यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं सर। तो तुम बोलते हो एडमिशन हो गया था? एडमिशन हो गया था, फिर नाम कट गया ना। अच्छा, नाम कट, फिर दोबारा एडमिशन करवाना चाह रहे हो? हाँ। तो नहीं हो रहा? ना हो रहा है। क्या नाम है? सिकंदर के। कर्मी जो आए हैं इन लोग से काफ़ी अपेक्षा है, काफ़ी आशाएं हैं हम लोग की। हमेशा ये लोग कमज़ोरों की आवाज़ उठाया करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोग हम सबों की आवाज़ जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि भीखनपुर में राजकीय ब्लाइंड स्कूल जो मध्य विद्यालय है वो एकमात्र परिमंडल में विशेष विद्यालय है। उस विद्यालय में आज के डेट में मात्र 8 लड़के रजिस्टर्ड हैं और 1 लड़का उपस्थित है, 7 लड़के वो भी नदारद हैं। विद्यालय की स्थिति ये है कि 3 साल से कोई नामांकन नहीं हुआ है प्रशासनिक उदासीनता के वजह से। और जो छात्र वहाँ हैं, एक छात्र जो मिला उससे हम लोगों ने बात किया तो वो बताया कि सर यहाँ ना तो पढ़ने लिखने की कोई बुक है, किताब है, और ना ही जो व्यवस्था होनी चाहिए सरफ साबुन की व्यवस्था नहीं है, खाना वाना सही नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे 6-7 मित्र थे वो भी चले गए, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बिहार शाखा का जनरल सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर यह बात रखने आया हूँ कि इस विद्यालय को बचा लिया जाए, क्योंकि बिहार में मात्र 3 विशेष विद्यालय हैं जिसमें एक भागलपुर है, और विशेष विद्यालयों की स्थिति जर्जर जो हो रही है। इसके लिए हम अपने पदाधिकारियों से उम्मीद रखते हैं, मीडिया कर्मी से उम्मीद रखते हैं, और चूँकि हम शोषित वंचित वर्ग से आते हैं इसलिए हमारी सहयोग और हमारी सहायता होनी चाहिए। नाम बता दीजिए। RPWD एक्ट के तहत जो विकलांगों के दिव्यांगों के लिए एक्ट है उसके तहत समानता की बात की जाती है और शिक्षा के अधिकार में समानता की बात की जाती है, लेकिन यहाँ हमारी उपेक्षा हो रही है। मैं अर्जुन कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बिहार शाखा। धन्यवाद।